जैसे सुना है प्रीति जिंटा जब आए थे तब मिठाई लेके गए थे, जब रणबीर कपूर आए थे मिठाई लेके गए थे, जब अमिताभ बच्चन का लड़के का मतलब अभिषेक बच्चन का शादी हुआ था तब मिठाई गया था। तो मैं कोलकाता के फेमस संदेश ट्राई करने जा रहा हूँ। तो संदेश के आपको यहाँ भी बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। ये है यहाँ का ब्लैक करंट संदेश, ये है यहाँ का फेमस स्ट्रॉबेरी संदेश, तो ये यहाँ पे डॉल बोरा, तो ये केसर का संदेश है यहाँ पे और दिल खुश बोलते हैं इसको। तो ये कीवी फ्लेवर संदेश है इनका। ये है इनका बटरस्कॉच संदेश, ये है दिलकुश, ये है इनका पिस्ता फ्लेवर संदेश, ये है चॉकलेट, ये है गुलाब और ये है लास्ट में गुड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल इंडिया एट मिनिया। मैं गुलशन चौहान आपको लेके आया हूँ कोलकाता के एक बहुत ही ज्यादा फेमस शॉप है और इनका संदेश बहुत ही पुराना है और बहुत ही ज्यादा वैरायटीज मिलती है। तो देखो शॉप का नाम गिरीश चंद्र दे एंड नकुल चंद्र नंदी, तो ये संदेश के लिए पूरे कोलकाता में काफी ज्यादा फेमस है। तो चलिए चलते हैं, इनके ओनर से बात करते हैं और अपने लिए संदेश लगाते हैं। मेरा नाम ब्रजेश नंदी। तो सर कितनी पुरानी शॉप है ये? ये 1844 से 173 ईयर्स ओल्ड हो गया। इधर कोलकाता के हर खाने मतलब कोलकाता जेकोनो खाबारी खूबी फेमस। संदेश इज द पॉपुलैरिटी ऑफ कोलकाता। संदेश का 40 वैरायटी हम लोग का अवेलेबल रहता है हर टाइम। देखिए वैरायटी में बहुत कुछ होता है। पहले जैसे करापाक होता था, आदमी को करापाक संदेश बहुत पसंद है। बच्चे लोग को जैसे चॉकलेट संदेश पसंद है, किसी किसी को गुलाब पत्ती पसंद है, एकदम प्लेन संदेश। गिरीश चंद्र दे स्टार्टेड द शॉप इन द ईयर 1844। बहुत सेलिब्रिटीज आते रहते हैं, बंगाल का आते हैं, बाहर का आते हैं। जैसे सुना है प्रीति जिंटा जब आए थे तब मिठाई लेके गए थे, जब रणबीर कपूर आए थे मिठाई लेके गए थे, जब अमिताभ बच्चन का लड़के का मतलब अभिषेक बच्चन का शादी हुआ था तब मिठाई गया था, ऋतुपर्ण घोष जो डायरेक्टर था बंगाल का वो लेके गए थे। गिरीश पार्क थाना का बगल में पड़ेगा, कलकत्ता में आने से गिरीश पार्क मेट्रो से बगल में होगा, नहीं तो गिरीश पार्क थाना 56 रामदुलाल सरकार स्ट्रीट। तो देख सकते हैं मैंने काफी सारे संदेश लगाए हैं, काफी ज्यादा वैरायटीज हैं। तो ये है इनका ब्लैक करंट संदेश, ये है इनका बटरस्कॉच संदेश, ये है दिलकुश, ये है इनका पिस्ता फ्लेवर संदेश, ये है चॉकलेट, ये है गुलाब और ये है लास्ट में गुड। तो देख सकते हैं संदेश की कितनी सारी वैरायटीज लगी है। तो मैं कंफ्यूज हो गया मैं कौन सा खाऊं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा चॉकलेट, जो कि मोस्टली लोग खाते हैं चॉकलेट। तो संदेश बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है, जो इसकी आउटर लेयर है काफ़ी स्मूथ सी है, काफ़ी सॉफ्ट सी है, चॉकलेट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। जो अंदर की फीलिंग है ब्लैक चॉकलेट है और थोड़ी हार्ड सी है। आई थिंक इन्होंने नट्स भी डाले हुए अंदर, तो इसके अंदर इन्होंने मुनक्के की फीलिंग की हुई है, ऊपर से डार्क चॉकलेट है और बाहर से एकदम सॉफ्ट सी चॉकलेट लगाई हुई है। तो ओवरऑल इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे कोलकाता विजिट कर रहे हो तो ये वाला संदेश ज़रूर ट्राई करना। तो मैं इनका ट्राई करूँगा पिस्ता वाला संदेश। तो ये पिस्ता वाला संदेश है और मुझे बहुत अच्छा लगा। जो इसमें पिस्ता है मेरे को ऐसा लग रहा है इन्होंने थोड़ा सा इसको रोस्ट किया हुआ है। फ्लेवर्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना टेस्टी होने वाला है। मैंने पहले संदेश ज़्यादा ट्राई नहीं किया, मैंने एक सिंपल सा संदेश खाया था दिल्ली में और मैंने संदेश इससे पहले कभी नहीं खाया। तो मुझे इनका ये पिस्ता वाला भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप आ रहे हो तो इसको भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूँगा अपना फेवरेट ब्लैक करंट फ्लेवर। तो मुझे पता नहीं था कि फ्लेवर संदेश इतने टेस्टी हो सकते हैं। तो जो इन्होंने फ्लेवर मिक्स किए हैं इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स किए हैं, ऊपर से लेयरिंग की हुई है इन्होंने ब्लैक करंट की, तो एकदम स्मूथनेस ही आ रही है। जब टेस्ट कर रहे हो तो ऊपर से स्मूथनेस ही आ रही है और अंदर से जो उसके फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से आ रहे हैं। तो अगर आप कोलकाता विजिट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस शॉप में आके संदेश जरूर ट्राई कीजिए। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन कौन से वैरायटी के आप संदेश खाओगे, तब मुझे तो मजा आ गया। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।